चलिए बेटा, नेक्स्ट इज हमारे जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन ऑन सिस्टम है उसके एग्जांपल्स को थोड़ा बहुत और देखते हैं। हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल देखा और हमने काफ़ी हद तक उस पूरे के पूरे एग्जांपल का बढ़िया पोस्टमार्टम किया। हमने उसमें जो कुछ भी हर तरफ जो इक्वेशंस लग सकती थी, मैंने हर तरह की इक्वेशन लगाई। हालांकि हमने आखिर में देखा कि ना, अगर हम इक्वेशंस को थोड़ा सा लिखते वक्त अगर हम बढ़िया से छांटें तो हम कम इक्वेशन से भी सारे के सारे सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। बट स्टिल वी गेट टू नो कि बेटा कैसे कैसे हम हर डायरेक्शन में इक्वेशंस लिख सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक सिस्टम और है। हमारे पास एक कैपिटल एम मास का ब्लॉक है, फ्री टू मूव है। इसके साथ एक आइडियल मासलेस पुली इस तरह से बंधा हुआ है। पुली को आप इस ब्लॉक का ही पार्ट मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका मास तो बड़ा है नहीं, तो इसे आप इस कैपिटल एम का हिस्सा मान लो। स्मॉल एम मास का ब्लॉक बड़ा सिर पड़ा है, रस्सी मासलेस स्ट्रिंग है, उसके थ्रू ऐसे बंधा रखा है। हम इस बात को बड़ा हल्का फुल्का तो फील कर ही सकते हैं कि कैपिटल एम मास का ब्लॉक यू जाएगा और कैपिटल एम मास पर स्मॉल एम यू नीचे आएगा। सिचुएशन हल्की सी टफ है, बट आई होप आप पिछले वाले सवाल से काफ़ी हद तक बातें इसमें रिलेट कर पाओगे। अगेन, मेरा एम बिल्कुल भी आंसर के प्रति बिल्कुल मेरा कोई एम नहीं है। मैं आंसर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं सिचुएशन में, FBD में, न्यूटन्स लो अलग अलग डायरेक्शन लगाने ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ एज़ कम्पेयर टू बड़ा आंसर निकालने के। एंड आई होप बड़ा हमारे वही काम आएंगे, तो जो कहूँ बड़ा एग्जैक्टली आपको वही करना है, वही करना है। सबसे पहले बेटा, पहला काम, ड्रॉ FBD ऑफ कैपिटल एम एंड अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन इट इन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। ठीक है बेटा, अभी बनाते हैं कैपिटल एम के FBD बनाते हैं बेटा। कैपिटल एम के अगर FBD बनाए तो कैपिटल एम पर बड़ा कौन से फोर्सेस, कैपिटल एम बेटा ऐसे रहा, कैपिटल एम बेटा ऐसे रहा। कैपिटल एम के साथ बड़ा पुल्ली भी सिस्टम का हिस्सा मान लो, पुल्ली बेटा वैसे ही मासलेस है। पुल्ली और कैपिटल एम मिलाकर बड़ा पेरा समाज पर कैपिटल एम है। कौन से फोर्सेस हैं? अर्थ सबसे पहले बेटा पुल कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण mg। अर्थ की सरफेस पुश कर रही है ऊपर की तरफ किसी न किसी नॉर्मल फोर्स, लेट से बड़ा n-। यहां पर स्मॉल एम बेटा कॉन्टेक्ट में है, तो वो ऑफकोर्स उन्होंने कोई नॉर्मल लगाएगा ऐसे। उसका जो नॉर्मल होगा बेटा, लेट से दैट इज n, लेट से दैट इज n। एंगल्स वगैरह आपको थोड़ा क्लियर तो है ही, अगर ये वाला एंगल थीटा बेटा, ये वाला एंगल भी थीटा, तो n का इस तरफ कंपोनेंट आएगा n का साइन थीटा, नीचे की तरफ बेटा n का कंपोनेंट आएगा n का cos थीटा। और कोई फोर्सेस? हाँ बेटा, रस्सी का फोर्स भी है। ये जो पुल्ली है जिसको आपने कैपिटल M का हिस्सा मान रखा है, इस पुल्ली को रस्सी बेटा अपनी तरफ खींच रही है किसी न किसी फोर्स से। रस्सी जिस फोर्स से खींचती बेटा, उस फोर्स को हम टेंशन कहते हैं। इसी तरह से स्ट्रिंग बेटा इस पुल्ली को इधर भी खींच रही है अलोंग द इंक्लाइन बेटा, कितने फोर्स से? टी से। जो फोर्स रस्सी लगा रही है वही तो बड़ा रस्सी का टेंशन है। एंड बाय ज्योमेट्री यू कुड से कि सर दिस एंगल आल्सो कम्स आउट टू बी थीटा। बड़ा ये वाला एंगल थीटा, तो ये वाला भी एंगल आपका थीटा। चलिए बेटा, हम जानते हैं कि बेटा इस कैपिटल एम का वर्टिकल डायरेक्शन तो कोई एक्सेलरेशन होगा नहीं। हाँ, ये बात तय है कि जैसे जैसे बेटा एम, स्मॉल एम लगातार नीचे आएगा, बेटा लगातार ऐसे जाएगा। इसका एक्सेलरेशन इस तरफ लेट से बेटा ए। चलिए, न्यूटन्स लॉ बेटा हेल्प कीजिए। पहले अपन हॉरिजॉन्टल में लिखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पहले लिखा हुआ है, तो हॉरिजॉन्टल में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पहले लगाते हैं। इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन से फोर्स हैं? n-, mg और n cos थीटा, ये सारे के सारे वर्टिकल में हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस हैं n sin थीटा प्लस t माइनस t sin थीटा, सॉरी बेटा माइनस t cos थीटा। t के दो कंपोनेंट हैं। हॉरिजॉन्टल का कंपोनेंट अगर देखोगे तो दैट इज t cos थीटा, और वर्टिकल में अगर इसका कंपोनेंट देखोगे तो t का sin थीटा। तो जिस तरफ एक्सेलरेशन है उस तरफ कौन से फोर्स हैं? दिस प्लस दिस माइनस दिस। सो इस तरफ बड़े आराम से आप लिख सकते हो कि टेंशन प्लस n का sin थीटा
माइनस टी का कॉस थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इन टू एक्सेलरेशन. दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन. फेयर इनफ. वर्टिकल डायरेक्शन में, बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में इस ब्लॉक का कोई एक्सेलरेशन नहीं है. वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा ब्लॉक एक तरह से इक्विलिब्रियम में है. तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स. इस पर नीचे कौन कौन लग रहा है? एम जी लग रहा है और टी का साइन थीटा लग रहा है. इस पुल्ली पर जो टी साइन थीटा लग रहा है बेटा, वो भी इस पुल्ली का जो पुल्ली जो है बेटा, इस ब्लॉक का हिस्सा एक तरीके से. तो टी साइन थीटा भी नीचे, कैपिटल एम जी भी नीचे. तो आप कह सकते हो कि कैपिटल एम जी प्लस टी का साइन थीटा शुड बी, सॉरी बेटा, प्लस नीचे की तरफ एक फोर्स और है, कौन है? एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स. ऊपर की तरफ लगने वाला इकलौता फोर्स है वो जमीन का नॉर्मल, दैट इज एन डैश. दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू. दिस इज द इक्वेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन. फेयर इनफ. अगला सवाल बेटा, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ स्मॉल एम एंड अप्लाई न्यूटन्स लॉ इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन अलोंग इनक्लाइन प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इनक्लाइन प्लेन. चार तरफ इक्वेशन लगानी है बेटा. किस पर? स्मॉल एम पर. पहले बेटा अपन स्मॉल एम के एफबीडी बनाते हैं, फिर जाके कोई बात करते हैं, ठीक है? स्मॉल एम के एफबीडी यही बना दो बेटा. इसके अंदर स्मॉल एम पर कौन से फोर्सेस. एक बार अगर इस रस्सी में टेंशन टी आ गई तो ये रस्सी पुल्ली को खींचेगी ऐसे, तो ब्लॉक को खींचेगी ऐसे. तो ब्लॉक को खींचेगी रस्सी टेंशन टी से. और कौन से फोर्सेस? ऑफ कोर्स बेटा नीचे की तरफ एम जी. इन दोनों बीच बेटा कॉन्टेक्ट तो है. जो नॉर्मल इस पर ऐसे बड़ा, वही नॉर्मल कैपिटल एम स्मॉल एम पर बाई एक्शन रिएक्शन पेयर लगाएगा ऐसे. एंगल्स वगैरह का आपको वैसे कोई दिक्कत नहीं है बड़ा. एंगल्स वगैरह और बढ़िया दिखाना चाहो तो ऐसे दिखा. मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं बड़ा. अगर ये वाला एंगल थीटा बड़ा, ये वाला एंगल थीटा, ये 90 माइनस थीटा, अगेन बड़ा आपके पास ये वाला एंगल थीटा. एक्सेलरेशन की एक बात और कर लेते हैं. सुनना बेटा, ये मैं लास्ट क्लास में आपको बता चुका हूं इसलिए रिपीट कर रहा हूं. कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में, कैपिटल एम के बड़े वाले वेज के रेस्पेक्ट में, इस वेज के पास वेज कंस्टेंट के कॉन्सेप्ट से अगर देखें तो एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के लॉन्ग हो सकता है. अगर हमारा वेज धीरे धीरे इधर जाएगा तो इस रस्सी की लंबाई घटेगी, तो इस रस्सी की लंबाई बढ़ेगी, तो ये वाला ब्लॉक तो नीचे आएगा. तो इसका मतलब कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम जो है वो नीचे आएगा. लेट्स से इसका एक्सलरेशन है कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में नीचे की तरफ भी. दिस इज नॉट द एक्सलरेशन विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज द एक्सलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम. कैपिटल एम इटसेल्फ इज मूविंग टुवर्ड राइट विथ एक्सलरेशन ए. तो इसका एक्सलरेशन ए और जुड़ गया. तो इसका मतलब हमारे स्मॉल एम का जो एक्सलरेशन है वो कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में बड़े वाले वेज के रेस्पेक्ट में डाउन द इंक्लाइन है बी. कैपिटल एम बड़ा वाला वेज खुद जा रहा है राइट साइड में ए से, तो इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया सामने ए और डाउन द इंक्लाइन बी. अगर ये वाला एंगल थीटा तो बेटा ये वाला एंगल भी आपके पास थीटा. चलिए बेटा हम अलग से भी इस डायग्राम को और बढ़िया से बना लेते हैं. हमें सारे के सारे फोर्सेस वगैरह दिखाने. पहले बेटा मुझे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में न्यूटन को लगाने के लिए कहा गया, तो सारे कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लेते हैं. अभी लेते हैं बेटा, ये रहा आपके पास ब्लॉक. बेटा कैपिटल एम जी को तो स्मॉल एम जी को तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं, वो पहले से वर्टिकल में है. नॉर्मल के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, एन कॉस थीटा ऐसे, एन साइन थीटा ऐसे. ऊपर की तरफ दिखा दीजिए एन कॉस थीटा, लेफ्ट साइड में दिखा दीजिए एन साइन थीटा. टेंशन के बेटा दो कंपोनेंट आएंगे, इधर टेंशन का कॉस थीटा, इधर टेंशन का साइन थीटा. इधर टेंशन का कॉस थीटा, ऊपर की तरफ बेटा टेंशन का साइन थीटा. जिस तरह से आपने बेटा फोर्सेस वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दिखाएं, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में दिखाइए दिखा देंगे. ए तो बेटा है ही है, ए तो बेटा है ही है, ए की तो चिंता ही नहीं करनी अपन को, बी की करनी है. बी के दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ बी कॉस थीटा, इधर की तरफ बी साइन थीटा. तो इधर की तरफ हमारे पास है
बी कॉस थीटा, नीचे की तरफ है बी साइन थीटा। आपने ना गौर किया कि मैंने सारे के सारे फोर्स, सारे के सारे एक्सेलरेशन सबको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में लिख दिया, क्योंकि बेटा सवाल के पहले दोनों जो पार्ट हैं उसमें मुझे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में, तो मैंने जानबूझ के सारे फोर्स और सारे एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में दिखा दिए। चलिए बेटा हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में इधर एक्सेलरेशन ए, इधर बी कॉस थीटा, तो इधर एक्सेलरेशन आ गया ए माइनस बी कॉस थीटा, इधर ए इधर बी कॉस थीटा, तो सामने तरफ आ गया ए माइनस बी कॉस थीटा। एक्सेलरेशन इस तरफ तो नेट फोर्स भी इस तरफ कितना आएगा, दिस माइनस दिस, आराम से लिखना बेटा, टी कॉस थीटा माइनस एन साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। इस तरफ एक्सेलरेशन है ए माइनस बी कॉस थीटा, फेयर इनफ। से मुझे वर्टिकल में चाहिए बेटा, वर्टिकल में तो एक्सेलरेशन नीचे है बी साइन थीटा, तो ऑफ कोर्स दिस एम जी इज मोर देन दिस प्लस दिस। नीचे की तरफ नेट फोर्स आ गया बेटा, बताना नीचे की तरफ कितना नेट फोर्स आ गया, एम जी माइनस एन कॉस थीटा माइनस टी साइन थीटा एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू नीचे की तरफ एक्सेलरेशन। बेटा नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है बी साइन थीटा। ये बेटा हमारे पास वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, बढ़िया किया बेटा अपन ने। अब हमसे अगले दोनों पार्ट में पूछ रखा है कि इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाओ। अगर आपको इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है तो आपको इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग फोर्सेस और इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन चाहिए। तो सारे के सारे फोर्सेस के कंपोनेंट्स देखिए बेटा, कौन से इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग है, उन सबको बेटा एक बार देखिए, देखते हैं बेटा, देखते हाँ बेटा दिखाओ। एम मास का ब्लॉक था, ऐसे बड़ा इंक्लाइंड प्लेन के लोग एम मास का ब्लॉक था, टेंशन का बेटा कुछ करने की जरूरत नहीं है, पहले से इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग है। नॉर्मल का कुछ करने की जरूरत नहीं बेटा, नॉर्मल बेटा पहले से इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर है। एक फोर्स है बेटा कौन सा, एम जी, एम जी का करना पड़ेगा बेटा, एम जी ऐसे, आपको बेटा याद ही हो गया होगा, अगर एम जी ऐसे उसके दो कंपोनेंट आएंगे, बेटा डायरेक्टली लिख दूं, अलोंग द इंक्लाइन आएगा एम जी का साइन थीटा और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन आएगा एम जी का कॉस थीटा, वेरी इजी। सारे फोर्स बड़ा हमने अलोंग द इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन लिख दिए हैं, टेंशन और नॉर्मल तो पहले से थे, एम जी नहीं था तो उसके अपन ने कंपोनेंट ले लिया। एक्सेलरेशन का क्या हाल है, आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन बी तो सर बिल्कुल क्लियर है कि ऐसे ही आएगा, ए जो है वो ऐसे, उसके भी कंपोनेंट ले लीजिएगा। अगर ये वाला एंगल थीटा तो ए का इस तरफ कंपोनेंट आएगा ए कॉस थीटा और ए का बेटा इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा ए का साइन थीटा। लो बेटा हमने बातों ही बातों में सारे फोर्सेस और सारे एक्सेलरेशन कंपोनेंट ले लिए अलोंग द इंक्लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ये है हमारा परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन और ये है हमारा अलोंग इंक्लाइन प्लेन। आराम से लिखो बेटा अलोंग इंक्लाइन प्लेन कौन से फोर्सेस हैं। आप बोलोगे कि सर एम जी साइन थीटा इधर है, टेंशन उसको अपोज कर रही है, तो इस तरफ नेट फोर्स आ गया दिस माइनस दिस। लिखो बेटा एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन, कितना बड़ा इस तरफ एक्सेलरेशन, इस तरफ बी इस तरफ ए कॉस थीटा, तो इस तरफ नेट एक्सेलरेशन आ गया बी माइनस ए कॉस थीटा, b माइनस ए cos थीटा, फेयर इनफ। परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इधर है एम जी cos थीटा, इधर है नॉर्मल और एक्सेलरेशन है इस तरफ a sin थीटा, एक्सेलरेशन इस तरफ तो नेट फोर्स भी इस तरफ कितना, दिस माइनस दिस। हमारे पास इक्वेशन आ गई है एम जी cos थीटा माइनस नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू इस तरफ एक्सेलरेशन। बड़ा व्हाट्स द एक्सेलरेशन अलोंग दिस साइड, बड़ा दैट इज ए साइन थीटा। बड़ा दो इक्वेशन तो शायद हम पहले लिख चुके थे, बड़ा दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड, दिस इज इक्वेशन नंबर फोर, दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव, बड़ा दिस इज माई इक्वेशन नंबर सिक्स। बड़ा छह इक्वेशन अपन लोग लिख चुके हैं यार, बढ़िया। चलिए बेटा अपना एम क्या था, इक्वेशन लिखना, एफ बी डी बनाना, वो हम कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं। आगे चलिए बच्चों,
मैं आपसे दो इक्वेशंस बड़ा और बनवाना चाहता हूँ, आराम से बनाएंगे अपन, सारा काम बन जाएगा अपन से। चलिए बेटा नेक्स्ट इज सवाल लिखिएगा। अब आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाना है, स्मॉल एम पर नहीं बेटा, कैपिटल एम पर नहीं, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम पर। तो उसके लिए अगला सवाल, अगली सिचुएशन लिखिए। ड्रॉ एफ बी डी ऑफ कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम एंड अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन दिस सिस्टम अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। बेटा हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में पूरे सिस्टम पर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगाओ भी। चलिए बेटा ये डायग्राम से भी काम चला सकते थे लेकिन बेटा ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसे टैंकी सा हो गया, फिर से बना लेते हैं। कौन सा बड़ा टाइम लग रहा है, कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की एफ बी डी अपन लोग फिर से बनाते हैं। चलिए चलिए बेटा जैसे आपने कहा कि सर कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम की एफ डी बनानी है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरनल फोर्सेस दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस से हमारे काम बन जाएंगे। तो सुनिएगा, हमारे पास इस तरह का अरेंजमेंट, बेटा ये आपका स्मूथ सरफेस, इस पर बेटा ये एक बड़ा ब्लॉक, इसका मास बड़ा कैपिटल एम, इसका मास बड़ा स्मॉल एम, धागे से बड़ा बांध रखा है यू एस। सबसे पहले इसको अर्थ पुल कर रही है एम जी से, इसको अर्थ पुल कर रही है कैपिटल एम जी से, इसे अर्थ सरफेस पुश कर रही है एन डैश से। ये वाला नॉर्मल दिखाने की कोई खास जरूरत आपको है नहीं बेटा, ठीक है। इस पर टेंशन ऊपर की तरफ और इस पर टेंशन नीचे की तरफ दिखाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो बेटा इस पर टेंशन नीचे लगी बेटा वही टेंशन इस पर ऊपर लगी है, इंटरनल फोर्स हो गया। लेकिन जो यहां पर तुमने बांध रखा था ना, उससे जो रस्सी लगी हुई थी उसने जरूर इस सारे के सारे सिस्टम को इधर की तरफ टी से खींच रखा है, ये एक्सटर्नल फोर्स जरूर है। आगे कहानी हम जानते हैं, कैपिटल एम का एक्सलरेशन इस तरफ ए, तो स्मॉल एम का एक्सलरेशन भी इस तरफ ए, और कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम का एक्सलरेशन डाउन द इंक्लाइन बी, और बाकी एंगल वेंगल में हमें कोई डाउट है नहीं, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। हमने एफ बी डी बेटा बना दिया, बढ़िया। अब कोई हमसे पूछ ले कि पूरे के पूरे सिस्टम पर बेटा पहले क्या लिख रखा है, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सटर्नल फोर्स, आपको हाँ सर एम जी और एन डैश ये तो सारे वर्टिकल हैं, पूरे के पूरे सिस्टम पर, पूरे के पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, दैट इज टी। दिस टी शुड बी इक्वल्स टू एम वन ए वन प्लस एम टू ए टू, कैपिटल एम इंटू इसका इस तरफ एक्सलरेशन, इस तरफ एक्सलरेशन है ए, प्लस स्मॉल एम इंटू उसका एक्सलरेशन। बड़ा स्मॉल एम का एक्सलरेशन कितना है, न्यूटन्स लॉ किस तरफ लगा रहे हो, हॉरिजॉन्टल में, तो एक्सलरेशन भी कौन सा चाहिए, हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका एक्सलरेशन है ए माइनस बी कॉस थीटा, बी के दो कंपोनेंट, बड़ा हॉरिजॉन्टल में बी कॉस थीटा, वर्टिकल में बी साइन थीटा। तो आप कह सकते हो कि स्मॉल एम के पास इस तरफ एक्सलरेशन है ए माइनस बी कॉस थीटा, ए माइनस बी कॉस थीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेवन, बड़ा दिस इज माई इक्वेशन नंबर सेवन। नेक्स्ट बड़ा वर्टिकल, वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में पूरे सिस्टम पर कौन से फोर्स हैं, टेंशन तो हॉरिजॉन्टल है छोड़ो, वर्टिकल में है एम जी, एम जी और एन डैश, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना है, नीचे की तरफ फोर्स है दिस प्लस दिस माइनस दिस। तो आप कह सकते हो नीचे है कैपिटल एम जी, नीचे है स्मॉल एम जी, ऊपर है एन डैश, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन प्लस मास इनटू एक्सलरेशन। ठीक है बेटा लिखाओ, कैपिटल एम इनटू उसका एक्सलरेशन नीचे की तरफ ए लिख दो, आपको नहीं सर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आप लगा रहे हो वर्टिकल में, तो एक्सलरेशन भी सिर्फ वही लो जो वर्टिकल में हो, वर्टिकल डायरेक्शन में आपका एक्सलरेशन बेटा कैपिटल एम का कितना है, जीरो, तो जीरो लिखो। स्मॉल एम इंटू एक्सलरेशन, स्मॉल एम का एक्सलरेशन पूरा नहीं बेटा सिर्फ वर्टिकल वाला, और वर्टिकल वाला एक्सलरेशन मेरे शायद सारे बच्चों को नजर आ रहा है बेटा, स्मॉल एम का कितना है बी साइन थीटा,
दिस इज माई इक्वेशन नंबर 8 बेटा, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 8। ये बेटा हमारे पास 8th इक्वेशन आ गई। हमने सब बढ़िया से सारी चीजें सीखने के चक्कर में बेटा सारी सारी इक्वेशन अपन ने बढ़िया से लिखी हैं, ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। लास्ट का अप्लाई स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड रिलेट ए एंड बी। बेटा लास्ट सवाल ये है कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाकर ए और बी को रिलेट करो, करते बेटा ये वाला जो रस्सी है ये यहां से चलते 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 यहां तक बांध रखिए। हम इस बात को जानते हैं कि बेटा जैसे जैसे ये वाला ब्लॉक आगे आएगा ये वाली लंबाई घटेगी, ये वाला स्मॉल एम नीचे जाएगा तो ये वाली लंबाई बढ़ेगी। इस लेंथ को मैं एक बार के लिए L1 लिख दूं, ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस तरफ A तो पुल्ली का एक्सेलरेशन भी A, पुल्ली से लेकर ब्लॉक तक का एक्सेलरेशन मेरे पास L2। वी नो दैट कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट सेज दैट कि L1 प्लस L2 इज टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट। फेयर इनफ। मुझे बेटा एक्सेलरेशन रिलेट करने हैं, वेलोसिटीज रिलेट करनी होती है तो एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, एक्सेलरेशन रिलेट करने हो तो दो बार डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई बात नहीं। L1 प्लस L2 बेटा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो, L1 बेटा देखना ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, ये पुल्ली है, इस पॉइंट और पुल्ली के बीच की डिस्टेंस है L1, पॉइंट तो फिक्स है लेकिन पुल्ली इस तरफ आ रहा है A एक्सेलरेशन से। पुल्ली अगर इस तरफ A एक्सेलरेशन से आ रहा है तो ये जो A है दिस इज द रेट एट विच L1 इज डिक्रीजिंग। वैसे रेट नहीं बेटा, सेकेंड रेट है, सेकेंड डेरिवेटिव है, एक ही बात है, मैथमेटिक्स सेम पड़ेगी। तो आप कह सकते हो कि सर डबल डिफरेंशिएशन ऑफ L1 इज बेसिकली माइनस A इज द रेट एट विच L1 इज डिक्रीजिंग। रही बात L2 की, L2 इज द सेपरेशन बिटवीन दिस पुल्ली एंड दिस ब्लॉक। अब एक बात को नोटिस करना बेटा, इस पुल्ली के पास भी एक्सेलरेशन A है, इसके पास भी एक्सेलरेशन A है, दोनों के पास ये जो एक्सेलरेशन तो कॉमन है, ये जो एक्सेलरेशन जो है ये थोड़ा कॉमन है, और अगर ये एक्सेलरेशन कॉमन है तो इसके कारण तो आप देख सकते हो बेटा ना तो लेंथ बढ़ेगी ना घटेगी। भाई दोनों के पास अगर एक्सेलरेशन सेम है तो ना तो ये लेंथ को बढ़ाएंगे ना घटाएंगे, लेकिन इसके पास बेटा ये वाला एक एक्स्ट्रा एक्सेलरेशन है बी, ये दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, दूर जा रहा है, तो L2 को बढ़ाएगा या घटाएगा? तो आप बोलो सर L2 को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा तो बी लिख दो। तो बेटा ये वाला A और ये वाला A तो कैंसिल हो गया, सिर्फ और सिर्फ ये B बच गया। और जैसे बेटा लास्ट वाली इक्वेशन देखी, मेरे पास इक्वेशन आ गई A इज इक्वल्स टू B। ले बेटा दिस इज अवर 9th इक्वेशन, बेटा दिस इज अवर 9th इक्वेशन। तो इस पूरे सिस्टम अगर आप काउंट करो तो कितने अननोन है, A, B, दो नॉर्मल टेंशन, 5 अननोन है, और 5 अननोन को सॉल्व करने के लिए हम बड़ा इक्वेशन कितनी लिख के बैठे हैं, 9 इक्वेशंस लिख के बैठे हैं। हम बड़े आराम से बड़े इत्मीनान से सारा का सारा काम निपटा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने जिस तरह से सारे के सारे सिचुएशन को समझा, हमने बेटा सवाल में है ना मेन चीज़ सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन सीखने को रखा, हमने इस बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी कि ना एक्सेलरेशन निकालने कैसे, ठीक है, हमने इक्वेशंस को थोड़ी वेटेज ज़्यादा दी, और इसी बहाने ऑफ कोर्स हम बहुत सारी बातें तो सीखे भी होंगे ना। तो चलिए बेटा, लेकिन मैं इस सवाल को हल्का सा बड़ा उस तरह से फ्रेम भी करता हूँ जिससे आप एग्जैक्टली छांट सको कौन सी इक्वेशंस आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो बेटा चलिए यही सवाल बेटा एक बार फिर से रिपीट करते हैं, है ना, फिर से लिखिएगा और लैंग्वेज देखिएगा और फिर बेटा हम इसको फिर से वापस से सॉल्व करते हैं। सेम डायग्राम, सिचुएशन इज लाइक दिस कि आपके पास बड़ा स्मूथ सरफेस, इस पर एक कैपिटल एम मास के ब्लॉक के साथ बड़ा मासलेस पुल्ली बंधा हुआ है, पुल्ली बड़ा कैपिटल एम का हिस्सा मान सकते हो, ये बड़ा कैपिटल एम। इस पुल्ली के ऊपर से एक हमने रस्सी यूं बांध रखी है, ये बड़ा स्मॉल है, और ऐसे बड़ा रस्सी चलते 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 यू ना, फेयर इनफ। चलिए बेटा सवाल पूछ रहा हूँ, अच्छा बेटा ये वाला एंगल गिवन है,
और कैपिटल एम वाला जो ब्लॉक है ये फ्री टू मूव है, फिक्स नहीं है. फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स. बड़ा दोनों ही ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन कितने कितने आएंगे. हालांकि आप कह सकते हो कि सर हो तो गया, सर इतनी सारी इक्वेशंस लिख रखी थी, सर सॉल्व कर लेंगे. हाँ बड़ा कर लोगे, लेकिन हमारा एक्चुअल एग्जाम में मान लो अगर इस तरह कोई टफ सवाल आया तो हम ऐसा थोड़ी कि नौ इक्वेशन लिख लेंगे. हमें पता होना चाहिए यार कौन सी इक्वेशन सबसे बेस्ट रहेगी. ठीक है, तो चलिए बेटा मेरे पास एक प्लान है. सुनना बेटा क्या प्लान है मेरे पास. फोर्सेस की अगर बात करूं बेटा, कैपिटल एम जी नीचे, जमीन का नॉर्मल एन डैश ऊपर, स्मॉल एम जी नीचे, इस पर टेंशन टी ऐसे, इस पर टेंशन टी ऐसे, इस पर टेंशन टी ऐसे. इस बड़े वाले ब्लॉक का एक्सलरेशन इस तरफ ए, इसके रेस्पेक्ट में स्मॉल एम का एक्सलरेशन डाउन द इंक्लाइन बी, इसका खुद का एक्सलरेशन राइट में ए, तो इसका एक्सलरेशन भी राइट में बड़ा ए. ये वाला एंगल आपका बड़ा फिर से थीटा. ठीक है, मुझे ब्लॉक्स के एक्सलरेशन चाहिए तो बड़ा मुझे ए और बी निकालते हैं बेटा. सबसे कम अननोन से बात बनानी है तो कोशिश करो कि बेटा ये जो नॉर्मल आपस में लगा है ये ना आए, और कोशिश करो कि जमीन ने जो नॉर्मल लगाया वो ना आए. अगर ये दोनों नॉर्मल नहीं आए तो कितने अननोन बचे, आप बोलो सर ए बी और टी, तीन अननोन बचे. उन तीन अननोन को सोल्व करने के लिए कितने इक्वेशन चाहिए होंगे, तीन इक्वेशन चाहिए होंगे. तो तीन इक्वेशन ऐसी बनाते हैं जिनके अंदर एन और एन डैश ना आए. कहानी समझे, हमने पहले ही सोच लिया कि यार मुझे ना सबसे कम इक्वेशन से काम चलाना है. तो आपने कहा सर सबसे कम इक्वेशन से अगर काम चलाना तो इस एन डैश को और इस एन को अवॉइड करो. इस एन डैश और एन को अवॉइड करते ही बड़ा तीन वेरिएबल बचे. उन तीन वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ तीन इक्वेशन चाहिए, और उन तीन इक्वेशन से हम बड़ा बड़े आराम सॉल्व कर लेंगे. अब ये छांटो कि यार कौन सी इक्वेशन ऐसी है जिनके अंदर ये एन डैश और एन ना आए. आप बोलो सर एन डैश और एन अगर आपको नहीं चाहिए ना तो आप इक्वेशन लगाओ पूरे सिस्टम पे. किस पे, पूरे सिस्टम पे. किधर किधर इक्वेशन लगाओ, आप बोलोगे पूरे सिस्टम पर सर लगाओ, वर्टिकल लगाओगे ना तो सर ये एन डैश जाएगा, एन डैश नहीं चाहिए सर, हॉरिजॉन्टल में लगाओ. तो पहली इक्वेशन आई हमारी न्यूटन्स लॉ ऑन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अलोंग हॉरिजॉन्टल, एंड वी नो दैट कि पूरे सिस्टम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स बड़ा कौन सा, टी. दैट टी मस्ट बी इक्वल्स टू कैपिटल एम इंटू ए प्लस स्मॉल एम इंटू ए माइनस बी कॉस थीटा. दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन, दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन. सेकंड इक्वेशन स्मॉल एम पे लगाओ, किस तरफ, स्मॉल एम पर इस तरफ लगाओगे तो बड़ा नॉर्मल आ जाएगा, उस नॉर्मल को अवॉइड करना है. नॉर्मल किस तरफ है, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, सॉरी बेटा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है. उसका इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, तो दूसरी इक्वेशन लगाओ स्मॉल एम पर इंक्लाइन प्लेन के अलोंग. तो अगला है न्यूटन्स लॉ ऑन स्मॉल एम अलोंग इंक्लाइन प्लेन. हमने जानबूझ के इंक्लाइन प्लेन इसलिए छाटा क्योंकि हमारा जो नॉर्मल है बड़ा होता है इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका इंक्लाइन प्लेन के अलोंग कोई कंपोनेंट आएगा ही नहीं. और इस तरफ आप जानते हो बड़ा कौन से फोर्स हैं, एम जी के बड़ा दो कंपोनेंट आएंगे, इधर की तरफ एम जी कॉस थीटा, इधर की तरफ एम जी साइन थीटा. एम जी साइन थीटा इस तरफ, टेंशन इस तरफ, तो डाउन द इंक्लाइन आ गया एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू नीचे की तरफ एक्सलेशन, नीचे की तरफ एक्सलेशन होगा बी माइनस ए कॉस थीटा. बड़ा बता चुका हूं कैसे आएगा, दैट इज बी माइनस ए कॉस थीटा. दिस इज माय इक्वेशन नंबर टू. और थर्ड इक्वेशन आप लोग जानते हैं बड़ा बेस्ट कौन सी रहेगी, स्ट्रिंग कंस्टेंट. बड़ा मैं आपको बता चुका हूं कैसे आएगी, दैट इज माय इक्वेशन नंबर थ्री. तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल, जो चीज चाहिए बड़ा सब हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगा. आई होप यू गेट द पॉइंट. चलो बड़ा आप कहते हो तो मैं सोल्व कर देता हूँ. बड़ा ए और बी को सेम रखना, सेम रखा तो पहले वाले इक्वेशन आ गए टी इज इक्वल्स टू, हाँ बेटा क्या आ गया, कैपिटल एम ए प्लस स्मॉल एम ए माइनस स्मॉल एम ए कॉस थीटा. नीचे वाले इक्वेशन देखना क्या आ गई है, एम जी साइन थीटा माइनस टी
इज इक्वल्स टू एम ए माइनस एम ए कॉस थीटा। ठीक है बेटा, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए बेटा, टेंशन नहीं चाहिए। आप एक काम कीजिए बेटा, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। बेटा दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो मेरे पास सॉल्यूशन आ गया, एम जी साइन थीटा इज इक्वल्स टू, बेटा देखना, कैपिटल एम ए प्लस टू टाइम्स स्मॉल एम ए माइनस टू टाइम्स एम ए का कॉस थीटा। और बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई है एम जी साइन थीटा अपॉन 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 कैपिटल एम प्लस टू एम माइनस टू एम कॉस थीटा। मैंने सही तो लिखा बेटा, ये बेटा हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। जो ए है बेटा वही आपका बी है, जो ए है बड़ा वही आपका बी है। तो आपके बड़ा इस कैपिटल एम का एक्सेलरेशन तो बड़े आराम से अपन ने लिख दिया है, स्मॉल एम का एक्सेलरेशन इतना आसान नहीं है बड़ा। स्मॉल एम का एक्सेलरेशन जैसा आप देख पा रहे हो बड़ा, उसका एक्सेलरेशन है ए इस तरफ बी कॉस थीटा इस तरफ, तो इधर की तरफ है ए माइनस बी कॉस थीटा और नीचे की तरफ है बी साइन थीटा, फिर रिजल्टेंट है। तो मैं उसका एक्सेलरेशन बड़ा ऐसे लिख दूँ, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम ऐसे लिख दूँ बड़ा, उसका एक्सेलरेशन ए माइनस बी कॉस थीटा I cap माइनस बी साइन थीटा j cap। a और b बेटा सेम ही है, ये बेटा a रखना चाहो यहां रख देना, आपका बेटा स्मॉल m का एक्सेलरेशन भी आ गया, कैपिटल m का एक्सेलरेशन तो यही हो गया और स्मॉल m का एक्सेलरेशन आपका वो। तो इस तरह से बेटा जो नोनो इक्वेशन थी उसमें से हम छांट सकते हैं कि कौन से इक्वेशन बेस्ट रहेगी, और इक्वेशन हम इस तरह से चूज करेंगे जिसमें हमें इस बात का आइडिया रहे कि यार क्या दे रखा है और क्या पूछा है। अगर हमसे नॉर्मल्स नहीं पूछे तो ज़बरदस्ती ऐसे इक्वेशन क्यों लिखे जिसमें हमारा नॉर्मल आ रहा हो, और अगर इक्वेशंस में अगर नॉर्मल आ गए तो उनको सॉल्व करने के लिए मैं फर्दर इक्वेशंस की संख्या ज़्यादा चाहिए होगी। तो हम हमेशा छांट लेंगे कि हर कितनी इक्वेशंस करने से सबसे आसानी से हमारा काम बन जाए। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा आगे चलते एक और कर लें, चलो तुम इतनी इज्जत कर रहे हो तो एक और कर लें, बढ़िया सवाल है बेटा है ना, बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे, अच्छा सवाल होगा। तो एक और सुन लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही सिस्टम पर एक सवाल है, उसे बेटा निपटा दो, अच्छा सवाल है बेटा, सुनिएगा। सवाल ऐसा है, बड़ा सवाल ऐसा है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस बड़ा, ये इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन बड़ा फिक्स है, इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन बड़ा फिक्स, इस इंक्लाइंड प्लेन का बड़ा एंगल दे रखा है मुझे ऐसे थीटा, फेयर एनफ। इस पर बड़ा ऐसे एक वेज पड़ा है, ऐसे शेप का बड़ा एक वेज पड़ा है, ऐसे बड़ा एक वेज पड़ा है, ठीक है। इस वेज का बड़ा मास मैं आपको कैपिटल एम बता रहा हूं बड़ा, ठीक है। इस वेज के साथ ही बड़ा एक पुल्ली भी है, पुल्ली बड़ा मास लेस है, आप इस पुल्ली को कैपिटल एम का हिस्सा मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर बड़ा ऐसे एक रस्सी लिपटी हुई है, ये रस्सी बड़ा अपन ने यहां से बांध रखी है, यही रस्सी बड़ा चलते 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 ऐसे आती है, और एक दूसरा ब्लॉक बड़ा यू बांध रखा है, ऐसे। इसका मास बड़ा आपके पास स्मॉल है, इसका मास बड़ा स्मॉल है। अब सुनना बड़ा इस बात को, अगर ये कैपिटल एम नीचे की तरफ फिसला तो ये लेंथ, तो ये फिसलेगा तो ये पुल्ली भी आगे आएगा, ये पुल्ली अगर आगे आएगा तो ये लेंथ घटेगी, सॉरी बेटा पुल्ली अगर आगे आएगा तो ये लेंथ तो बढ़ेगी, ये लेंथ अगर बढ़ेगी तो ये लेंथ घटेगी, ये लेंथ घटेगी तो बेटा ये वाला जो ब्लॉक है ये ऊपर जाएगा, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है।
तो मैंने बेटा इसका एक्सलरेशन मान रखा है एस से डाउन द इंक्लाइन ए, इसका एक्सलरेशन सुनना पूरी बात सुनना, इस वेज का एक्सलरेशन बड़े वाले वेज के रेस्पेक्ट में, बड़े वाले वेज के रेस्पेक्ट में जो भी कॉमन सरफेस है उसके अलोंग होगा, ये है बेटा कॉमन सरफेस। तो इसका मतलब कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम जो है वो सिर्फ और सिर्फ यू यू मूव कर सकता है, और ऑफ कोर्स ये अगर नीचे आएगा तो ये ऐसे ऊपर जाएगा। तो विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम इसका एक्सेलरेशन ऐसे आएगा बेटा, मान लेते हैं बी, ठीक है। दिस इज नॉट द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, सॉरी बेटा दिस इज नॉट द एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज बी इज एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम, और कैपिटल एम खुद नीचे की तरफ जा रहा है ए से। तो इसका मतलब स्मॉल एम का जो एक्सेलरेशन होगा वो इस ए और बी का रिजल्टेंट आएगा, बड़ा इस ए और बी का रिजल्टेंट आएगा। देख लेंगे, कोई इश्यू होना नहीं चाहिए, सब निपटा देंगे। रस्सी में बड़ा यहां मैंने टेंशन मान ली बड़ा टी, तो यहां भी बड़ा टेंशन टी, तो बड़ा यहां भी बड़ा टेंशन टी। मैं सवाल पूछ रहा बड़ा आपसे, फाइंड एक्सेलरेशंस ऑफ ब्लॉक्स, बड़ा दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन निकालने। अगेन बड़ा हम लोग इतने कैपेबल हैं कि हम लोग चाहे ये वाला ब्लॉक हो चाहे बड़ा बड़ा वाला ब्लॉक हो, हम हर ब्लॉक पर हर डायरेक्शन में न्यूटन का मोशन लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। और हम तरह तरह के फोर्सेस को फाइंड आउट भी कर सकते हैं, ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि बेटा जी ये वाला नॉर्मल कितना होगा, ये वाला नॉर्मल कितना होगा, बेटा ये वाला नॉर्मल कितना होगा, वगैरह वगैरह हर चीज़ पता कर सकते हैं, हर चीज़ पता कर सकते हैं। लेकिन हम अब स्टिक करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ तो ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन निकालने, बाकी चीज़ों में हमें इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इस नॉर्मल में कोई इंटरेस्ट नहीं, मैं क्लियरली बोलता हूँ, मुझे इन नॉर्मल्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। सर इन नॉर्मल्स को अगर मैं लिख दूं इक्वेशन में तो बड़ा, अगर लिख देगा तो बड़ा ऑब्वियस बात है कि तुझे इक्वेशंस भी ज़्यादा चाहिए होंगे, क्योंकि बड़ा वो जो नॉर्मल है वो भी अननोन है, उस अननोन को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन भी आपको एक्स्ट्रा चाहिए होगी, वो कहाँ से लाएंगे यार, और इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। तो कोशिश करो कि आप है ना ये वाला नॉर्मल लिखो ही नहीं, ये वाला नॉर्मल आए नहीं इक्वेशन में, बिल्कुल ना आए, ना ही ये वाला नॉर्मल आए, वरना बड़ा ये वाला नॉर्मल आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए और इक्वेशन चाहिए होगी। तो मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे मुझे सजेस्ट करें कि ये वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल ये इक्वेशन में ना आए, ऐसे इक्वेशन बताओ, मजा आ जाए। तो आपको असर हो जाएगा, ये वाला नॉर्मल नहीं आए, इसके लिए एक काम करते हैं पूरे सिस्टम पर न्यूटन से लगाते हैं, तो ये वाला नॉर्मल तो जाएगा इंटरनल फोर्स, और पूरे सिस्टम पर किस तरफ लगाए, इस नॉर्मल का कंपोनेंट ना आए इसलिए अलोंग द इंक्लाइन लगाते हैं, किस पे, कैपिटल एम प्लस स्मॉल पर अलोंग द इंक्लाइन लगाते हैं कि इस इंक्लाइन पिन का जो नॉर्मल है वो भी नहीं आएगा। तो पहली इक्वेशन अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम अलोंग इंक्लाइन प्लेन, बड़ा समझ तो गया मैंने इक्वेशन कैसे आटी, सिस्टम पे बनाऊंगा तो ये नॉर्मल नहीं आएगा, अच्छी बात है, नॉर्मल ये वाला न आए इसलिए कहा कि इंक्लाइन प्लेन के अलोंग लगाओ, और पूरे सिस्टम पर जैसे मैंने कहा कि मैं अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगाऊंगा, बड़ा मेरा सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस में इंटरेस्ट है, इस टीम में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, एक बार के लिए इस पर नीचे इस पे ऊपर सिस्टम के हिस्सा बेटा, तो इस नॉर्मल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सर इंटरेस्ट किस में है फिर, बड़ा मुझे तो एम जी में है, इस एम जी के दो कंपोनेंट आएंगे बड़ा, इस तरफ आएगा एम जी का साइन थीटा, बड़ा इस तरफ आएगा एम जी का कॉस थीटा, इसी तरह से कैपिटल एम जी का इस तरफ आएगा साइन थीटा, इस तरफ कैपिटल एम जी का आएगा कॉस थीटा। और कोई फोर्स है कि बड़ा एक्सटर्नल, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, भले ये टी ना हो लेकिन इस रस्सी में अगर टेंशन टी है तो ऑफ कोर्स ये रस्सी पूरे के पूरे सिस्टम को ऐसे ऊपर की तरफ खींच रही है, कितने से टी से रस्सी खींच रही ऐसे टी से। चलिए बेटा नीचे की तरफ फोर्स बेटा देखना कितना है, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा बेटा, एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा, दो फोर्स तो हो गए बेटा लॉन्ग द इंक्लाइन, और कोई फोर्स, ये नॉर्मल इंटरनल है छेड़ो मत, ऊपर की तरफ क्या है टेंशन माइनस टी,
दैट मस्ट बी इक्वल्स टू। फोर्सेस किस तरफ लिखे हैं? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। तो एक्सेलरेशन भी किधर लेने हैं? इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। बेटा देखना, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, कैपिटल एम का इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन क्या है? ए। तो बोल देना कैपिटल एम इंटू ए प्लस स्मॉल एम, स्मॉल एम इंटू इंक्लाइन प्लेन के अलोंग एक्सेलरेशन। बेटा इन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग तो एक्सेलरेशन ए ही है, बी का तो इस तरफ कोई कॉम्पोनेंट आएगा ही नहीं। बढ़िया मचा दिया अपन ने पहली इक्वेशन, ठीक है ना। दूसरी सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन लगाओ स्मॉल एम पर, स्मॉल एम पर, और ये नॉर्मल ना आए, ये नॉर्मल ना आए इसलिए स्मॉल एम पर लगाओ ऐसे, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन मतलब इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाओ स्मॉल एम पे, जिससे कि ये जो नॉर्मल बेटा कैपिटल एम ने इस पर लगाए वो ना आए। तो बेटा अगला है अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑन स्मॉल एम परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, चलेगा बेटा? परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, गौर करना बेटा, गौर करना, ऊपर टी है नीचे स्मॉल एम जी कॉस थीटा है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है बी, एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर, कितना बड़ा? टी माइनस एम जी कॉस थीटा, टी माइनस एम जी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू स्मॉल एम इंटू इस तरफ एक्सेलरेशन बस बी। सर ए का कंपोनेंट, बेटा ए का इस तरफ कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, ए तो बेटा इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, उसका कोई कंपोनेंट इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर में नहीं आएगा, थोड़ा लिख देना, ठीक है बेटा। दो इक्वेशन ए बी टी, कितने अननोन है? तीन। इक्वेशन कितनी चाहिए? तीन। इक्वेशन कितनी लिख के बैठे हैं? दो। काश एक हो जाए। आप जानते हो बेटा लास्ट इक्वेशन कौन सी आएगी? लास्ट इक्वेशन इस बात की आएगी कि बेटा जैसे जैसे ये कैपिटल एम नीचे जाएगा स्मॉल एम ऊपर जाएगा, ये लेंथ तो बेटा बढ़ेगी, ये लेंथ घटेगी, इसका मतलब ऑफ कोर्स थर्ड इक्वेशन इज गोइंग टू बी स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको एल वन बोल दो, यहां से यहां तक की जो लेंथ है उसको एल टू बोल दो। वी नो इट वेरी वेल कि बेसिकली एल वन प्लस एल टू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। मुझे एक्सलरेशन रिलेट करने हैं तो एल वन डबल डैश प्लस एल टू डबल डैश इक्वल्स टू जीरो। वॉट इज एल वन डबल डैश? तो आप हो सर ये वाला पॉइंट तो फिक्स है और ये पुल्ली है, फिक्स पॉइंट और पुल्ली के बीच की डिस्टेंस है एल वन, फिक्स पॉइंट तो फिक्स है। ये कैपिटल एम जो है ये डाउन द इंक्लाइन आ रहा है ए एक्सलरेशन से, तो इससे जुड़ा हुआ पुल्ली भी आ रहा है नीचे की तरफ एक्सलरेशन ए से। ए इज द रेट एट विच एल वन इज इंक्रीजिंग। तो आप बोलोगे सर ए प्लस एल टू की क्या हालत है? अभी देख लेते हैं। एल टू इज द सेपरेशन बिटवीन पुल्ली एंड ब्लॉक, ब्लॉक का एक्सलरेशन इस तरफ भी पुल्ली, सॉरी ब्लॉक का एक्सलरेशन इधर की तरफ ए, पुल्ली का एक्सलरेशन भी ए, दोनों का ही अगर एक्सलरेशन इधर की तरफ ए ए रहेगा तो ना तो लेंथ बढ़ेगी ना लेंथ घटेगी, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए। लेकिन इस ब्लॉक के पास एक एक्सलरेशन और है, कौन सा बड़ा? बी, इधर की तरफ बी। ये बी क्या करेगा बड़ा? एल टू को बढ़ाएगा घटाएगा? तो आप सिर्फ घटाएगा, तो माइनस बी एंड दैट इज इक्वल्स टू जीरो। थर्ड इक्वेशन सेज दैट कि ए इज इक्वल्स टू बी। बड़ा दिस इज माय इक्वेशन नंबर थ्री। थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल्स, बड़े आराम से बेटा सॉल्व करो आपके सारे आंसर आ जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि बेटा मैं सॉल्व करूं तो बेटा मैं भी कर सकता हूं इसको, ठीक है। अगर आप चाहो कि मैं करूं तो मैं कर देता हूं, कराओ बेटा। मेरे पास आ गया, पहली इक्वेशन आ गई है एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू, बड़ा वो तो उसमें तो एयर भी है ही नहीं, उसमें तो क्यों छेड़ रहा हूँ, ठीक है बेटा मैं उसे क्यों छेड़ रहा हूँ। बेटा इसमें मैं बी को बेटा एक बार के लिए ए लिख दूँ, बस बस बहुत है। मेरे ख्याल से दोनों इक्वेशंस को बेटा ऐड करते बात बन जाएगी, दोनों इक्वेशंस को ऐड किया तो टी टी बेटा गायब और मेरे पास आ गया एम जी साइन थीटा प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेटा क्या? कैपिटल एम प्लस टू एम इंटू ए। ले बेटा ए बोल दे या बी बोल दे, बेटा दोनों की वैल्यू सेम ही आ गई है। और बेटा कितनी आ गई बेटा इसकी वैल्यू? बेटा वैल्यू आ गई है दैट इज एम जी साइन थीटा
प्लस कैपिटल एम जी साइन थीटा माइनस एम जी कॉस थीटा अपॉन कैपिटल एम प्लस टू है। ये बेटा ए और बी आ गया। दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम। कैपिटल एम का एक्सेलरेशन तो यही है, स्मॉल एम का एक्सेलरेशन ये नहीं है। स्मॉल एम का एक्सेलरेशन है इस ए और बी का रिजल्टेंट। हालांकि बी भी ए ही है, ये भी ए है, ये भी ए है, तो इसका नेट एक्सेलरेशन आएगा ऐसे। बेटा कितना आएगा? रूट टू। तो आप कह सकते हो कि सर एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल एम जो आएगा वो तो रूट टू आएगा और एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल एम थोड़ा आपका ए आएगा। ए बेटा हम निकाल के बैठे, ए बेटा हम निकाल के बैठे। बड़ा ही आपका आंसर समझ गए बेटा इस बात को। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। बेटा हमने बेटा खूब सारे सवाल कर लिए, खास तौर से बेटा सिस्टम पे, और मुझे ऐसा लगा भी कि ना यार बाकी तो ठीक है बेटा, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बहुत ही ट्रिवियल सा ही है, काम का है वो तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन फिर भी है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वैसे तो देखें तो बहुत ज़्यादा बातें याद करने वाले तो है ही नहीं। बात तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इसमें जो भी मतलब जादूगरी है वो तो सिर्फ और सिर्फ बेटा किसी टफ सवाल के अंदर ही दिखा सकते थे यार। तो मैंने थोड़े टफ सवाल लिए और खास तौर से बेटा सिस्टम ऑफ मास के थोड़े सवाल ज़्यादा लिए, तो मेरे ख्याल से आपको हल्का फुल्का आइडिया लग भी गया होगा कि हाँ यार हम बिल्कुल हर डायरेक्शन में न्यूटन लॉ मोशन लगा सकते हैं, कैसे डायरेक्शन चूज़ करनी है जिसके अलॉन्ग बड़ा आंसर आसानी से आए वगैरह वगैरह। तो चीज़ें बड़ा सीखने के लिए तो खूब सारी बड़ा इसमें थी यार, है ना, है कि नहीं बेटा। तो चलिए आगे चलते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सूडो फोर्स। बड़ा पूरे के पूरे चैप्टर का जो सबसे लास्ट टॉपिक है बड़ा दैट इज सूडो फोर्स। बड़ा दैट इज अवर सूडो फोर्स। छोटा सा बड़ा टॉपिक है, हल्का सा बड़ा टॉपिक है और हमारे कई सवाल करने में बड़ा काम आता है, और इसलिए हमें इसका बढ़िया आइडिया तो होना ही चाहिए यार कि बड़ा सूडो फोर्स कैसे कैसे अपन लोग यूज कर सकते हैं। सुनना, जैसे हम बिल्कुल शुरुआत से ना जब न्यूटन लॉ ऑफ मोशन बड़ा अपने पढ़ना स्टार्ट किया तब से हमने ये कहना स्टार्ट किया कि हमारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जो है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर वैलिड है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर हमारे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एज सच वैलिड नहीं है। अच्छा बेटा पहले तो मैं बात बोल दूँ कि जो सूडो शब्द लिखा है ना इसका मतलब है मतलब झूठा फोर्स, फर्जी फोर्स, जो एक्चुअल में फोर्स है नहीं। तो आप कह सकते हो कि दिस सूडो फोर्स मीन्स एक तरह से फर्जी फोर्स, मतलब एक्चुअल में फोर्स है नहीं, बस अपन ने मान रखा है इसको फर्जी एकदम, मतलब कोई इसका एक्चुअल में कोई फोर्स है नहीं, बस हमने अपनी सहूलियत के लिए इसको एक फोर्स मान रखा है। क्यों, ऐसा कैसे, अपन देखते हैं। सूडो फोर्स को डिफाइन करने से पहले मैं एक बार एक दो बातें और डिफाइन करना चाहूंगा। पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बड़ा वो है जो नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोल दो या बड़ा ऑब्जर्वर बोल दो एक ही बात है, ऐसा ऑब्जर्वर जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो या फिर रेस्ट पे हो उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। और हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो बिल्कुल बढ़िया तरीके से इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वैलिड है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन एक्सेलरेटिंग रेफरेंस फ्रेम। बड़ा रेफरेंस फ्रेम मतलब एक तरह से ऑब्जर्वर, ऐसा ऑब्जर्वर जो नॉन एक्सेलरेटिंग है। नॉन एक्सेलरेटिंग मतलब बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट है, जीरो है तो जीरो रहेगी, और अगर मान लो किसी स्पेसिफिक वेलोसिटी से ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं तो हमेशा उसी डायरेक्शन में विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन उसी वेलोसिटी में लगातार मूव करता रहे, बट उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह सकते हैं। फेयर एनफ। हमारे जो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है बड़ा बिल्कुल वैलिड है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वैलिड। हमारे बड़ा न्यूटन्स लॉ बढ़िया तरीके से इसके अंदर वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज बड़ा हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है बड़ा दिस इज बेसिकली एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कोई ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रहा हो। तो आप कह सकते हो कि इट इज
एक्सेलरेटिंग अ रेफरेंस फ्रेम। यहां पर बेटा ऐसे बोल दूं, इट इज अ रेफरेंस फ्रेम मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी। बड़ा वेरिएबल वेलोसिटी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमारे जो न्यूटन्स लॉज हैं बेटा, वो हल्का फुल्का एक डिसरप्शन रखते हैं बेटा, वो एस एच वैलिड नहीं है। उनको बेटा वैलिड करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा, हम देख लेंगे। लेकिन बेटा आप ऐसा कह सकते हो कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर नॉट वैलिड। बेटा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है बेटा, वो इस रेफरेंस फ्रेम के अंदर वैलिड नहीं है। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं बेटा। अब इस बात को मैं एक तरीके से और समझाता हूँ कि बेटा कैसे रेफरेंस फ्रेम का फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत है। इस बात को मैं छोटे से एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए बेटा कि ये बेटा छत है, छत से बेटा एक रस्सी मासलेस स्ट्रिंग और 10 केजी का बड़ा ब्लॉक मैंने ऐसे टांग रखा है। ठीक है ना, यहां पर ग्राउंड पर बेटा कोई ना कोई ऑब्जर्वर है, ओवन बेटा इस 10 केजी ब्लॉक को देख रहा है और वो इस 10 केजी ब्लॉक को देखता है तो वो कहता है कि देखो भाई, इस 10 केजी ब्लॉक पर दो फोर्सेस लग रहे हैं। सबसे पहले नीचे की तरफ तो mg और ऊपर की तरफ टेंशन। और ये ऑब्जर्वर कहता है कि देखो, ये 10 केजी का ब्लॉक कहीं नहीं जा रहा, इट मींस दैट इट इज एट इक्विलिब्रियम, इट मींस दैट ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, सो टेंशन कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। ठीक है, फेयर एंड, उसको बहुत बड़ा टास्क था नहीं। अब बड़ा ये रस्सी ऐसी है कि इसका जो मतलब ब्रेकिंग टेंशन है वो 200 न्यूटन है, मतलब इसका ब्रेकिंग टेंशन 150 न्यूटन है। मतलब कि अगर 150 न्यूटन या इससे ज़्यादा टेंशन अगर हो गई ना तो ये रस्सी टूट जाएगी। भाई हर रस्सी बड़ा, अगर तुम लगातार टेंशन बढ़ाते जाओगे तो एक लिमिट तो ऐसी आएगी ना जब आपकी रस्सी टूट जाएगी। तो इस रस्सी की जो ब्रेकिंग टेंशन है वो 150 न्यूटन है, 150 न्यूटन है। मतलब 150 न्यूटन को क्रॉस करते ही मेरी रस्सी टूट जाएगी। ठीक है, तो ऑफकोर्स टेंशन कितनी बड़ा इसके अंदर 100 न्यूटन, बड़ा रस्सी टूटेगी नहीं टूटेगी? आप बोलोगे रस्सी नहीं टूटेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, एक दूसरा बालक है बेटा, ये साइड बेटा यहाँ कहीं बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग से एक दूसरा बालक वो जंप कर गया O2, और अगर जंप कर गया तो इसका खुद का एक्सलरेशन है नीचे की तरफ g, दैट इज 10 m/s². ये दूसरा बालक है बेटा, किसी बिल्डिंग से जंप कर गया। अब बिल्डिंग से जंप कर गया, नीचे गिरने में टाइम लगेगा, तो उसने सोचा कि चलो नीचे जाने से पहले एक सवाल कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने कहा कि ओहो, ये ब्लॉक टंगा हुआ है, चलो इसकी FBD बनाते हैं, खाली था तो सोचा चलो FBD बनाते हैं। तो ये फ्री फॉल करता हुआ जो बालक है, ये इस ब्लॉक की FBD बना रहा है, और इसकी FBD अगर वो ब्लॉक बनाता है तो वो कहता है कि देखो कि ये 10 केजी का ब्लॉक, सबसे पहले नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ टेंशन, फेयर एनफ। ये साथ ही साथ एक बात और कहेगा, ये कहेगा कि देखो मेरे रेस्पेक्ट में ये 10 केजी का ब्लॉक रेस्ट पे है ही नहीं, बल्कि मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे मतलब मैं खुद नीचे जा रहा हूं 10 m/s² से, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है, कितने से, 10 से। सोचो इस बात को बेटा, मेरा खुद का एक्सलरेशन अगर नीचे की तरफ 10 है तो मुझे तो हर चीज ऊपर की तरफ, हर चीज जो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है वो हर चीज ऊपर की तरफ से 10 से आती नजर आएगी। ये तुम बेटा रिलेटिव एक्सलरेशन में पढ़ चुके हो, मेरे रेस्पेक्ट में अगर एक्सलरेशन निकालना हो तो मेरे एक्सलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो। तो ये बालक बोलेगा कि देखो मेरे हिसाब से तो नीचे की तरफ mg है 100, ऊपर की तरफ टेंशन है टी, और मेरे रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, वो भी कितने एक्सलरेशन से, 10 से। तो ये बालक कहेगा, देखो सर, मैं तो, आपने कुछ सिखाया ना उसके हिसाब से मैं तो इक्वेशन ऐसे लगाऊंगा कि एक्सलरेशन है ऊपर तो नेट फोर्स है ऊपर, तो ऊपर टेंशन माइनस 100, टी ऊपर 100 नीचे, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सलरेशन, सो टेंशन की वैल्यू कम्स आउट टू बी 200 न्यूटन। इसका मतलब ये वाला जो बालक है ना, ये कह रखा है कि रस्सी के अंदर टेंशन 100 नहीं है, 200 न्यूटन है। जो इंसान ग्राउंड पर बैठा है वो कह रहा है कि टेंशन 100 न्यूटन है,
और जो इंसान फ्री फॉल कर रहा है वो अपने हिसाब से कैलकुलेशन सही कर रहा है, और वो कह रहा है कि मेरे हिसाब से टेंशन 200 न्यूटन आ रही है। अब दिक्कत ये है कि दोनों का आंसर अलग अलग आने में एक परेशानी ये है कि यार ये जो रस्सी है ये 150 न्यूटन पर तो टूट जानी चाहिए। अब इस बालक के रेस्पेक्ट में तो बड़ा टेंशन 150 न्यूटन से छोटी है तो नहीं टूटनी चाहिए, इस बालक के रेस्पेक्ट में टेंशन आ रही 200 न्यूटन रस्सी टूटनी चाहिए। अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि यार इसके रेस्पेक्ट रस्सी ना टूटे और इसके रेस्पेक्ट टूट जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दोनों बालकों में से एक बालक गलत है, एक ने कैलकुलेशन गलत की है। तो आप बोलोगे सर ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये तो आपने शुरुआत में लिखा दिया था कि हमारे सारे के सारे न्यूटन्स लॉज जो हैं वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वैलिड है, ये तो बिल्कुल सही है। सर पक्की बात है कि इस बालक ने जो O2 बालक जो फ्री फॉल कर रहा है, जो खुद एक एक्सलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसने जरूर कोई गलती की है। हालांकि मैं सच कहूं तो इसने कोई गलती की नहीं है, हमने जितना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था उसने ढंग से लगा दिया। गलती इसकी नहीं है, गलती न्यूटन्स लॉ की है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो है वो इस तरह के एक्सलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वैलिड नहीं है। अदरवाइज इसने तो जैसा जैसा न्यूटन ने बताया था बिल्कुल वैसा का वैसा ही किया है कि हाँ भाई नेट फोर्स ये है, मास ये है और मेरे रेस्पेक्ट में एक्सलरेशन ये है, उसने लगा दिया। वो अलग बात है कि इसके करने पर आंसर नहीं आया, आंसर नहीं आया इसका मतलब ये नहीं कि इसने गलत किया है, इसका मतलब ये है कि ये जिस लॉ को लगा रहा था वो लॉ इसके रेफरेंस फ्रेम के अंदर वैलिड नहीं है। तो ये ठीक है, गलती हो सकती, गलती मान लो बेटा, और क्या, इट मींस दैट ही इज रॉन्ग, इसने गलती की है। अब इसकी गलती को सुधारे कैसे, या तो ऐसे बोल दें कि यार हम सवाल है ना कभी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करेंगे नहीं, बोल दिया कि नहीं करेंगे, या फिर ऐसे कह दें कि यार कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ लॉजिक नहीं बेटा, जुगाड़ लगाते हैं, और दैट जुगाड़ इज नोन एज सूडो फोर्स। सूडो फोर्स एक तरह की एक मैथमेटिकल टर्म है, फोर्स नहीं है, मैथमेटिकल टर्म है। उस मैथमेटिकल टर्म को अगर आप जोड़ दोगे और फिर अगर न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगाओगे तो अब आपका आंसर वापस से 100 न्यूटन आ जाएगा। मैं समझाता हूं कैसे। सूडो फोर्स जो है इट इज जस्ट ए मैथमेटिकल टर्म, नॉट एन एक्चुअल फोर्स। बेटा एक्चुअल फोर्स नहीं है तभी तो बेटा मैंने शुरुआत में बोल दिया कि बेटा ये फर्जी फोर्स है और ये फोर्स नहीं है। अदरवाइज तो मुझसे पूछो सर बताओ सूडो फोर्स है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है या न्यूक्लियर फोर्स है या वीक न्यूक्लियर फोर्स है या फिर सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, आपने कहा था सर चार तरह के फोर्स होते हैं, ये किसके कारण है। बेटा ये कोई पार्टिकल्स के इंटरेक्शन के कारण फोर्स नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, ये हमने सिर्फ और सिर्फ एक जुगाड़ लगाया है, इस जुगाड़ को लगाकर इस बालक का भी आंसर आ जाएगा, दैट्स इट, इट इज जस्ट ए जुगाड़, नथिंग मोर देन दैट, उससे बड़ा कुछ नहीं है, है ना, दिमाग में सिर्फ फोर्स, बड़ा इसको जुगाड़ की तरह ही ट्रीट करना है, ठीक है। इट इज नॉट एन एक्चुअल फोर्स, इट इज जस्ट बड़ा मैथमेटिकल टर्म। सूडो फोर्स ओनली एप्लीकेबल फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ऐसा ना हो जाए कि बेटा ना मैंने तुम्हें इतना बढ़िया से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया और आप ग्राउंड पर बैठ के भी सवाल कर रहे हो तो कहो सर मैं ग्राउंड से भी सूडो फोर्स लगाऊंगा। नहीं बेटा, ग्राउंड से कोई सूडो फोर्स ना लगना है। सूडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ कहां से लगेगा, जब आप सवाल कहां से कर रहे हो, आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हो, आप वो ऑब्जर्वर हो जो एक्सेलरेट कर रहा है, तभी सूडो फोर्स लगाना, वरना सूडो फोर्स नहीं लगाना है। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूं, सूडो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो है माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। आराम सुनना, माइनस मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। एम है ऑब्जेक्ट का मास, जिस भी ऑब्जेक्ट पर आप न्यूटन्स लॉ लगा रहे हो, जिसको आप देख रहे हो उसका मास। ये ए जो ना ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये बड़ा आपके ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन है, ऑब्जेक्ट का एक्सलरेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन, सिर्फ ऑब्जर्वर का। एम किसका, इट इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़ा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट का मास है। ये माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि सूडो फोर्स जो होगा वो ऑब्जर्वर के एक्सलरेशन के अपोजिट होगा।
तो आप कह सकते हो कि सुडो फोर्स आप दिखाओ तो इट मस्ट बी अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये बड़ा आपके ऑब्जर्वर के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में सुडो फोर्स दिखाओगे, उसकी वैल्यू जो होगी बड़ा वो होगी ऑब्जेक्ट का मास मल्टीप्लाइड विथ एक्सेलरेशन किसका, ऑब्जर्वर का। इतने से बड़ा हमारा बढ़िया आराम से काम चल जाएगा। और ये सिर्फ और सिर्फ सुडो फोर्स कब दिखाओगे, सुडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ तब दिखाओगे जब बड़ा ये सवाल कहां से कर रहे हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कर रहे हो। ये सुडो फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा मैथमेटिकल जुगाड़ है जिस जुगाड़ को यूज करके इसका आंसर भी वही आ जाएगा। इसका मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम से भी आंसर वही आ जाएगा जो हमारा आंसर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आता है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ है, ये कोई एक्चुअल फोर्स नहीं है। अगर मैंने बोल दिया कि एक्चुअल फोर्स है, आप तो मेरे पीछे पड़ जाओगे कि सर बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। अरे बड़ा कुछ ना है, सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ है। एंड दिस जुगाड़ और बड़ा आई कुड से कि यार दिस अमेंडमेंट इन द फोर्स कैन मेक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पॉसिबल इवन फ्रॉम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अगर मैं ये एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर दूं, इस फोर्स को बाकी सारे फोर्स के साथ ऐड कर दूं, तो इसके बाद इस मॉडिफिकेशन के बाद आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एफ इज इक्वल्स टू एम ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी वैलिड हो जाएगा। सो दिस इज अ मैथमेटिकल टर्म विच मेक्स पॉसिबल कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन लगा सकें। एक बार लगा के देखते हैं। अब इस बालक को पता लग गया कि ओ सुडो फोर्स भी होता है, सुडो फोर्स भी लगाना होता है, और मेरे को इसलिए लगाना है क्योंकि मैं एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। तो ये कहेगा कि देखो मेरे रेस्पेक्ट में कहानी ऐसी है, अब ये सारी कहानी चेंज कर देगा कि 10 केजी का ब्लॉक है, एमजी लगना तय है, रस्सी में टेंशन टी होनी तय है। इन दोनों फोर्स के साथ साथ एक फोर्स में और दिखाऊंगा जिसकी वैल्यू होगी ब्लॉक का तो मास और मेरा एक्सेलरेशन। ब्लॉक का मास कितना है 10, ऑब्जर्व का एक्सेलरेशन कितना है 10, तो वो सुडो फोर्स आएगा 100। किधर आएगा, ऑब्जर्व का एक्सेलरेशन है नीचे तो सुडो फोर्स आएगा ऊपर, तो सुडो फोर्स आएगा ऊपर की तरफ। ये हमारा जो झूठा फोर्स है ये ऊपर की तरफ आएगा 100 न्यूटन। और तो और ये कहेगा कि देखो यार वो वाली बात तो सही है कि मेरे रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक ऊपर की तरफ आ रहा है, वो भी कितने एक्सेलरेशन से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो ये कहेगा कि अब मैं बड़े आराम से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन लगा दूंगा, ऊपर टी है, ऊपर 100 है, नीचे 100 है, दिस इज द नेट फोर्स एंड नेट फोर्स मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। 100 से 100 कैंसिल, टेंशन कम्स आउट टू बी 100 न्यूटन। ग्राउंड से करते हो बेटा तब भी आपका आंसर वही आता है, और अगर आप नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करते हो तब भी आंसर वही आता। शर्त है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब भी सवाल करोगे तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ आपको सुडो फोर्स तो बड़ा दिखाना तो पड़ेगा। इसे दिखाए बिना बड़ा हमारी बात नहीं बनेगी, बिल्कुल नहीं बनेगी। बड़ा समझ गए इस बात को। चलिए बेटा मैं इस बात को थोड़ा सा मतलब आसान एग्जाम्पल से ही बेटा एक बार और समझाता हूं, ठीक है। सुनना बेटा हो जाएगा, सब हो जाएगा पंच। सुनना बेटा एग्जाम्पल देखिए बेटा, मेरे पास कहानी ऐसी है कि ये बड़ा कोई लिफ्ट, इस लिफ्ट के अंदर बड़ा ऐसे एक ब्लॉक पड़ा है, ब्लॉक का मास बड़ा है 20 केजी, और लिफ्ट जा रही है बड़ा ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। एक बालक बड़ा ग्राउंड पर ऐसे बैठा है, चिल मचा रहा है ओवन, एक बालक बड़ा लिफ्ट के अंदर ही बैठा है कि यार मैं तो साथ ही जा रहा हूँ ब्लॉक के, और तीसरा बालक बड़ा अपना एडवेंचरस बालक है, ये बालक फ्री फॉल कर रहा है, तो इसका एक्सलरेशन है बेटा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये 10 केजी का ब्लॉक है, और बेटा ये 10 केजी का जो ब्लॉक है बेटा ऐसे बेटा लिफ्ट के अंदर, सर बेटा 20 केजी का ब्लॉक है,
और बड़ा लिफ्ट के अंदर बड़े आराम से चिल टाइप्स पड़ा है। लिफ्ट ऊपर जा रही है बड़ा कितने एक्सेलरेशन से 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। बहुत ही आसान सवाल है, मैं तो बड़ा सिर्फ और से सूडो फोर्स की फील दिलाने के लिए ऐसा सवाल कर रहा हूँ, बाकी बड़ा सवाल में कुछ रखा नहीं। सवाल बेटा, फाइंड नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक। बेटा ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स निकालो, तीन बार निकालूंगा बेटा। पहले ओवन, अगर ओवन सवाल करेगा तो कैसे करेगा? ओवन कहेगा देखो सर मैं तो ग्राउंड पे हूं, मैं अगर ग्राउंड पे हूं तो मैं तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूं। सर मैं अगर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस तरह तो मैं तो कोई सूडो फोर्स नहीं लगाऊंगा। लेकिन ओवन अगर 20 केजी के ब्लॉक को देखेगा तो वह कहेगा कि देखो सर इस 20 केजी ब्लॉक पर सबसे पहले नीचे की तरफ mg 200 न्यूटन जमीन का नॉर्मल ऊपर, और सर मेरे रेस्पेक्ट में तो ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से, 5 से। तो सर आपने तो जो मुझे कुछ सिखाया उसके हिसाब से मैं तो हल्का सा काम कर देता हूं कि एक्सेलरेशन ऊपर तो नेट फोर्स भी ऊपर, ऊपर की तरफ नेट फोर्स है n-200 एंड दिस n-200 मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सर मेरे हिसाब से तो नॉर्मल की वैल्यू 300 न्यूटन आनी चाहिए। ठीक है, अब O2 की बात करते हैं। बड़ा O2 तो खुद इस बड़ा ब्लॉक के साथ जा रहा है लिफ्ट के अंदर बैठ के, तो बड़ा ये एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या बड़ा नॉन एक्सेलरेटिंग? आप बोला सर तो एक्सेलरेटिंग है। बड़ा एक्सेलरेटिंग फ्रेम है तो बड़ा ये इनर्शियल फ्रेम कैसा है, इनर्शियल या नॉन इनर्शियल? आप बोलोगे सर ऑफ कोर्स ये तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और अगर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो बेटा सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ ये एक फोर्स और दिखाएगा बेटा, कौन सा? सूडो फोर्स। बड़ा 20 केजी का ब्लॉक सबसे पहले नीचे की तरफ 200, ऊपर की तरफ नॉर्मल, बड़ा सूडो फोर्स भी दिखाना पड़ेगा। दिखाओ ब्लॉक का तो मास, एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर है O2 जा रहा ऊपर की तरफ 5 से, जा रहा है ऊपर तो सूडो फोर्स दिखाएंगे नीचे, तो नीचे की तरफ बड़ा मेरे पास एक सूडो फोर्स आ गया जिसकी वैल्यू इसका तो मास एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का दैट इज 20 × 5 बट दैट कम्स आउट टू बी 100। पूछ तो लो O2 से कि तेरे रेस्पेक्ट में ब्लॉक जा कहाँ रहा है? O2 बोलेगा सर कहीं नहीं जा रहा, सर मैं भी लिफ्ट के अंदर हूँ, ये भी लिफ्ट के अंदर है, सर मेरे रेस्पेक्ट में तो इसका कोई एक्सेलरेशन नहीं है, और मेरे रेस्पेक्ट में अगर कोई एक्सेलरेशन नहीं है तो इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में तो इक्विलिब्रियम है, और मेरे रेस्पेक्ट में अगर इक्विलिब्रियम है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। बड़ा हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि एन शुड बी इक्वल टू 200 + 100 तो बड़ा नॉर्मल कम्स आउट टू बी 300 न्यूटन। फेयर इनफ। फिर हमारा ये एडवेंचरस बालक आ गया। एडवेंचरस बालक कहता है कि यार मैं भी सवाल करूंगा, भले ही मैं इतना बेवकूफ हूं कि मैं फ्री फॉल करता रहता हूं बार बार, बट फिर भी मैं सवाल तो करूंगा। बेटा ये तो फ्री फॉल कर रहा है, जी एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ, ये इनर्शियल फ्रेम या नॉन इनर्शियल? आप बोले सर ऑफ कोर्स ये तो नॉन इनर्शियल है, इसका खुद का एक्सेलरेशन है, सो दिस इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये बड़ा 20 केजी ब्लॉक को देखता है और कहता है कि सबसे पहले नीचे की तरफ mg 200, ऊपर की तरफ बड़ा क्या आएगा? नॉर्मल, साथ ही साथ बड़ा क्या लगाएगा? सूडो फोर्स लगा देंगे बिल्कुल लगा देंगे। मास किसका? ब्लॉक का। एक्सेलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का, 20 × 10। सूडो फोर्स लगेगा 200, किधर लगेगा? ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन नीचे तो सूडो फोर्स लगेगा ऊपर, ऊपर की तरफ बड़ा सूडो फोर्स है, और उस सूडो फोर्स की बड़ा वैल्यू आपने मुझे बता दी है कि 200 न्यूटन है। ये तो बता दो कि इसके रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन कितना है? तो आप बोलोगे सर ये तो खुद 5 से जा रहा है, और इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ 10, इसके रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन निकालना चाहते हो तो हम ये रिलेटिव मोशन में पढ़ चुके हैं कि इसके एक्सेलरेशन को उल्टा करके जोड़ दो, 5 तो था ही 10 और, तो इस बालक को तो ये 20 केजी का ब्लॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। और हमें कहा गया कि न्यूटन से लगाओ, लगा देंगे। बड़ा बताओ 20 केजी का ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर बड़ा फोर्स कितना है? नॉर्मल है, 200 ऊपर है, 200 नीचे है, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन।
बड़ा मास है 20, एक्सलरेशन है 15, नॉर्मल की वैल्यू आ गई है 300 न्यूटन। बड़ा नॉर्मल की वैल्यू आ गई है 300 न्यूटन, ये बड़ा अपना नॉर्मल है। आई होप बड़ा तुम लोग समझ गए होंगे इस बात को। ये तो बड़ा कोई सवाल थोड़ी है, ये तो बड़ा तुमने बताया कि देखना हर बार आंसर सेम आ रहा है, ये इतने आसान आसान थोड़ी करेंगे बंद और करेंगे बंद सवाल यार ना। तो ये बड़ा सिर्फ बताने के लिए कि देख बड़ा कुछ भी कर ले तो अगर तू सूडो फोर्स ढंग से लगाएगा तो तेरा आंसर हर फ्रेम से सेम आएगा। तो ग्राउंड से कर किसी और फ्रेम से कर, बड़ा आंसर से हमारे चेंज होने वाले नहीं है। लेकिन बड़ा ठीक है, मुझे है ना थोड़ा सा और बड़ा बातें तो बतानी ही पड़ेंगी। तो चलिए बेटा फटाफट से बड़ा हम दो तीन सवाल कर लेते हैं। चलिए बेटा दो तीन बेटा बढ़िया बढ़िया से सवाल निपटा लेते हैं। सुनना बच्चों, कहानी ऐसी है कि हाँ बड़ा आपके पास ये एक वेज, ये एंगल बड़ा थीटा, इस पर एक ब्लॉक पड़ा है बड़ा ऐसे, ये ब्लॉक ए, ये ब्लॉक बी, और इस ब्लॉक को बड़ा मैंने इस तरफ एक्सलरेशन दे दिया है ए। ए बड़ा मुझे पता नहीं है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है, फाइंड ए such that block B doesn't slip over block A, block B block A पर slip ना हो, इसके लिए A की value क्या होनी चाहिए। चलो ठीक है बड़ा, इस सवाल को करने वाले दो बालक हैं, एक ग्राउंड पर बैठा है O1, एक बड़ा इस ब्लॉक पर ही बैठा है O2। दोनों बालक ये सोचते हैं कि चलो सवाल करते हैं, चलो करते हैं। पहले बार O1 के रेस्पेक्ट में करते हैं, O1 ग्राउंड पर है तो वो इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है? तो आप बोलो सर इनर्शियल है, ग्राउंड पर तो इनर्शियल ही हुआ, और अगर ग्राउंड पर इनर्शियल हुआ तो उसके रेस्पेक्ट में सूडो फोर्स दिखाओगे दिखाओगे? तो वैसे ना दिखाएंगे हम तो सूडो फोर्स। और O1 के रेस्पेक्ट में कहूँ कि बेटा मुझे एफ बी डी बना के दो, तो आप बोलोगे सर एफ बी डी ऐसे बनेगी। O1 कहेगा कि अगर इसका एक्सलरेशन ए, ये वाला एंगल थीटा, तो सर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो इसका एक्सलरेशन भी ए ही होना चाहिए। भाई अगर बी वाला ब्लॉक इस पर स्लिप नहीं कर रहा तो इसका सीधा सीधा क्या अर्थ है कि जितना एक्सलरेशन इसका उतना एक्सलरेशन इसका, अगर इसका कुछ और हुआ तो बड़ा फिर इसका स्लिप कर जाएगा। दोनों का अगर एक्सलरेशन सेम हुआ तो पक्की बात है कि बेटा दोनों साथ 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 ऐसे ऐसे चलते रहेंगे, स्लिप नहीं होंगे। और इसके रेस्पेक्ट में मैं कहूँ O1 के रेस्पेक्ट को बेटा न्यूटन से लगाओ, तो सर वेरी सिंपल, नीचे की तरफ है mg, नॉर्मल आएगा ऐसे, ये एंगल आएगा थीटा, सिंपल। सूडो फोर्स क्यों नहीं दिखा रहे? अरे भाई सवाल कहाँ से कर रहे हैं? ग्राउंड से कोई सूडो फोर्स नहीं दिखाते हम। बड़ा बताना इस ब्लॉक पर जो फोर्सेज हैं उनका ज़रा ध्यान से देखना। सबसे पहले नीचे की तरफ mg, ऊपर की तरफ है n cos थीटा, और इधर की तरफ है n sin थीटा, और इधर की तरफ एक्सलरेशन है a। वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सलरेशन कितना है? आप बोलोगे सर वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन नहीं है, इसका एक्सलरेशन a तो इसका एक्सलरेशन b हॉरिजॉन्टल में a, और अगर हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सलरेशन है तो इसका मतलब वर्टिकल में एक्सलरेशन नहीं है, और अगर वर्टिकल में एक्सलरेशन नहीं है तो ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स। पहली इक्वेशन आ गई है कि n cos थीटा शुड बी इक्वल टू mg, दिस इज माय इक्वेशन नंबर वन। दूसरी इक्वेशन, तो आखिर ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सलरेशन आया किसकी वजह से? आप बोलोगे सर mg की वजह से तो आ नहीं सकता, नॉर्मल के इस कंपोनेंट की वजह से आ सकता है। नॉर्मल का ये वाला कंपोनेंट कितना है बेटा? तो मेरे बालक कहेंगे सर n का sin थीटा, दैट मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू इस तरफ एक्सलरेशन, दैट इज a। ले बेटा हो गया अपना काम, तो बढ़िया मचा दिया अपन। सर मुझे n नहीं चाहिए a चाहिए, बड़ा n नहीं चाहिए, डिवाइड करते मेरे पास आ गया tan थीटा इज इक्वल्स टू a बाई g। बड़ा मुझसे a पूछा गया था, a की वैल्यू आ गई है g tan थीटा। ले बेटा एक्सलरेशन आ गया बेटा कितना? g tan थीटा। तो O1 से इस सवाल को करना बहुत आसान था, कोई बहुत टफ टास्क नहीं था।
O2 से करना भी कौन सा टफ हो जाएगा, O2 से भी आसानी आएगा बेटा, O2 से बेटा आसानी आएगा, सुन लो बेटा वो भी सुन लो। अगर यही सवाल O2 वाला करेगा तो वो कैसे करेगा, चलिए बेटा इसी डायग्राम में दिखा देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू O2। O2 बोलेगा देखो ऐसा है कि मैं तो खुद वेल्च के ऊपर बैठा हूं, मैं तो खुद वेल्च के ऊपर बैठा हूं, और अगर ये वाला बी ए पर स्लिप नहीं कर रहा तो इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में, मेरे रेस्पेक्ट में बोल दो या ए के रेस्पेक्ट में बोल दो एक ही बात है, मेरे रेस्पेक्ट में बी के पास इधर उधर कोई एक्सलरेशन नहीं होना चाहिए। इट मींस दैट O2 कहेगा कि बी पर सबसे पहले नीचे की तरफ लग रहा है एम जी, नॉर्मल लग रहा है ऐसे, क्या इतने फोर्स काफी है ना, एक फोर्स और दिखाओ, कौन सा, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स क्यों, बिकॉज वी नो दैट कि O2 इज बेसिकली नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और अगर ये नॉन इनर्शियल है तो जिधर इसका एक्सलरेशन है, बट हमारे वेज का एक्सलरेशन इस तरफ ए था तो O2 का एक्सलरेशन भी इस तरफ ए, O2 का एक्सलरेशन इस तरफ ए, तो इसके रेस्पेक्ट में इस पर जब मैं न्यूटन्स ऑफ मोशन लगाऊंगा तो एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाना पड़ेगा एक्सलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में एम में। अब बताओ अगर ये वाला ब्लॉक इस पर स्लिप नहीं कर रहा तो O2 के रेस्पेक्ट में इसका एक्सलरेशन क्या होना चाहिए, आप बोलो सर O2 के रेस्पेक्ट में इसका कोई एक्सलरेशन नहीं होना चाहिए, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका ए तो इसका भी ए, लेकिन इसके रेस्पेक्ट में तो बड़ा रेस्ट पे रहना चाहिए, और अगर रेस्ट पे रहना चाहिए तो इसका एक्सलरेशन होना चाहिए जीरो, एंड इट मस्ट बी एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का सीधा सीधा अर्थ यह कि ऊपर का फोर्स बराबर नीचे का फोर्स, लेफ्ट का फोर्स बराबर राइट का फोर्स, ऊपर का फोर्स आ रहा है एन कॉस थीटा, लेफ्ट का फोर्स आ रहा है एन साइन थीटा, बड़ा फिर से वही इक्वेशन आ गई है एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए, फिर से वही आप इक्वेशन आ गई है एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, फिर से डिवाइड किया तो आपस से वही आ गया ए इज इक्वल्स टू जी टेन थीटा, बड़ा वापस से यही आ गया ए इज इक्वल्स टू जी टेन, वही आंसर आपका वापस से आ गया, बिल्कुल सेम कहानी सेम बात बड़ा, कोई इसमें वापस अंतर नहीं है, तो कहीं से बड़ा सवाल कर लो एक ही बात है। चलिए बेटा एक सवाल और, हालांकि बेटा सवाल अगेन कैलकुलेशन वाइज बड़ा इसके जैसा सा ही है, बट फिर भी देख सकते हैं, देख सकते हैं बड़ा, देखना इस बार सवाल के अंदर क्या कहानी है। इस बार बड़ा आपके पास एक इस तरह की कार्ट है जो बड़ा किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मूव कर रही है, ले बेटा ये एक कार्ट है बेटा, इस कार्ट का एक्सलरेशन सामने की तरफ ए है, ये वर्टिकल में बड़ा एक लाइन खींच रखी है अपन ने, ये बड़ा अपन ने वर्टिकल में एक लाइन खींच रखी है, अंदर बड़ा एक बालक बैठा है ये O2 है, बाहर बड़ा एक बालक बैठा है ये बड़ा O1 है, अंदर बड़ा रस्सी से हमने एक एम मास का एक पार्टिकल बांध रखा है एस, मासलेस स्ट्रिंग है, जैसे बड़ा ये सामने तरफ एक्सलरेट किया तो ये जो रस्सी है बेटा ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल बना के आ गई, और यहां पर अब ये इक्विलिब्रियम पे है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, बेटा ये इक्विलिब्रियम पे है विथ रेस्पेक्ट टू कार्ट, इस कार्ट के रेस्पेक्ट में बेटा ये इक्विलिब्रियम पे है, इक्विलिब्रियम पे है, इस बात का मतलब कार्ट के रेस्पेक्ट में इसका कोई एक्सलरेशन नहीं है, किसका, इस रस्सी का बेटा, इस ब्लॉक का, किसी का नहीं, ये एंगल थीटा बेटा आपको निकालना है, अभी निकालते हैं थीटा के बटन क्वेश्चन मार्क लगा रखे हैं, फाइन थीटा अभी करते हैं बेटा, पहले सवाल चलिए O2 के रेस्पेक्ट में करते हैं बेटा, O2 इनर्शियल फ्रेम या फिर नॉन इनर्शियल, तो आप बोलो सर O2 तो नॉन इनर्शियल है, और अगर O2 नॉन इनर्शियल है तो सारे के सारे फोर्सेस के साथ साथ क्या दिखाओगे, सूडो फोर्स को दिखाएंगे। O2 क्या कहेगा, O2 कहेगा देखो यार ऐसा है कि मैं तो कार्ट के अंदर बैठा हूं, और अगर मैं कार्ट के अंदर बैठा हूं, अगर मैं कार्ट के अंदर बैठा हूं तो जो कार्ट के रेस्पेक्ट में इसका एक्सलरेशन, वही एक्सलरेशन मेरे रेस्पेक्ट में, कार्ट के रेस्पेक्ट में तो इसका एक्सलरेशन जीरो है, तो इसका मतलब मेरे रेस्पेक्ट में भी एक्सलरेशन इसका जीरो है, तो ये बोलेगा कि सर मेरे रेस्पेक्ट में इसका एक्सलरेशन जीरो, ये इक्विलिब्रियम पे होना चाहिए, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला एंगल थीटा बड़ा कौन से फोर्स एम जी ऐसे, टेंशन ऐसे, ये वाला एंगल थीटा,
इतने फोर्स से पार नहीं पड़ेगी बेटा, एक फोर्स और चाहिए। कौन सा फोर्स? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना और किधर? इसका तो मास, एक्सलरेशन किसका? ऑब्जर्वर का। ऑब्जर्वर का एक्सलरेशन तो वही है जो गाड़ी का है, गाड़ी का एक्सलरेशन सामने की तरफ, तो इस पर सूडो फोर्स पीछे की तरफ, तो सूडो फोर्स आ गया पीछे की तरफ एम। आगे बेटा तुम कहानी जानते ही हो, टी के दो कंपोनेंट आएंगे, ऊपर की तरफ आएगा टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू नीचे की तरफ एम जी, इस तरफ टी साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। और बेटा जैसे मैंने डिवाइड किया थोड़ा मेरे पास ये आंसर आ गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू ए बाई जी, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स ऑफ ए बाई जी। बढ़िया आंसर इस बात को एक तरह से वो भी। अच्छा बेटा कोई पूछ ले टेंशन कितनी होगी, टेंशन होगी दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा वन, और आप बड़े आराम से लिख सकते हो कि टेंशन इज इक्वल्स टू एम इंटू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड किया तो टेंशन कम्स आउट बी एम इंटू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यही टेंशन हम एक स्टाइल से और निकाल सकते हैं, कैसे? कि पहले इस एम ए और एम जी को जोड़ दो, दोनों के इसमें एंगल 90 है तो इनका रिजल्टेंट आएगा ऐसे, एम को बाहर निकाल लो और रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। अब इस बालक के रेस्पेक्ट में तो ये इक्विलिब्रियम पे है, तो जितना फोर्स ये उतना फोर्स ये, बड़ा आराम से आंसर है। कोई कहते कैसे ग्राउंड से करूँ तो बड़ा बिल्कुल कर सकते हो, ओवन से अगर करोगे तो ओवन आपका हो गया है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको कोई सूडो फोर्स वुडो फोर्स बड़ा दिखाने की जरूरत बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि आप तो कहोगे कि देखो सर ऐसा है कि ये वर्टिकल, ये रस्सी से बंधा हुआ पार्टिकल, कौन से फोर्स? नीचे की तरफ एम जी, ऐसे आएगा आपका टेंशन, ये एंगल आएगा आपके पास थीटा, और आप एक कहोगे सर कोई सूडो फोर्स नहीं दिखाऊंगा मैं, इसमें कोई सूडो फोर्स है नहीं, क्योंकि सर मैं तो कहां से सवाल कर रहा हूं? ग्राउंड से कर रहा हूं। ग्राउंड तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई सूडो फोर्स नहीं दिखाते। लेकिन आप एक बात जरूर कहोगे कि देखो सर मेरे रेस्पेक्ट में गाड़ी भाग रही है ए से, ये गाड़ी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, तो जितना एक्सलरेशन गाड़ी का उतना एक्सलरेशन इसका, तो आप ये जरूर कहोगे कि सर सामने की तरफ एक्सलरेशन है ए। तो मैं फिर कहूँगा बेटा एक्सलरेशन अगर सामने है तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स जीरो ना चाहिए, तो आप हाँ सर, तो आप कहोगे सर इस कारण से ऊपर की तरफ जो टी कॉस थीटा लग रहा है ये एम जी के बराबर आना चाहिए, और सामने की तरफ जो टी साइन थीटा है उसके कारण एक्सलरेशन आना चाहिए। बड़ा वापस से वही इक्वेशन आएगी, टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी एंड टी साइन थीटा शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सलरेशन। बड़ा वापस से वही इक्वेशन, वही आंसर, बिल्कुल सेम कहानी बेटा, कोई फर्क बहुत बड़ा पड़ने वाला नहीं है। चलिए बेटा एक छोटा सा सवाल और, बेटा ऐसे चिन्ना सा सवाल और है, सुनना बेटा। हमारे पास ये बेटा वाई एक्सिस, ये बेटा एक्स एक्सिस, ये बड़ा एक पैराबोलिक वायर है, y इज इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर, स्मूथ पैराबोलिक वायर है बड़ा, इट इज स्मूथ पैराबोलिक वायर है। इस वायर के अंदर, इस तार के अंदर बड़ा अपन ने एक छोटा सा मोती पिरो दिया, ऐसे मोती मान लो बड़ा, रिंग मान लो, ऐसे पिरो दिया अपन ने, तो सबसे नीचे नीचे बेटा अपन लोगों ने ऐसे एम मास का मोती पिरो रखा है बेटा, बीड बोल दो एक ही बात। अब मैंने क्या किया कि इस तार को बेटा सामने की तरफ एक्सेलरेट कर दिया ए से, जैसे बेटा मैंने इसको एक्सेलरेट कर दिया ए से, वैसे ही ये जो बीड है बेटा चलते 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 यहां कहीं आ गया, और इस बीड के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो बीड है ये इक्विलिब्रियम में आ गया है विथ रेस्पेक्ट टू वायर, बड़ा वायर के रेस्पेक्ट में ये इक्विलिब्रियम पे है, ठीक है ना? वायर के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे है, इस बात का मतलब है कि जो एक्सलरेशन वायर का है वही एक्सलरेशन इसका है, या फिर ऐसे बोल दो कि वायर के रेस्पेक्ट में इसका एक्सलरेशन जीरो है। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि बड़ा इस टाइम पर इसकी हाइट कितनी है, हाइट को बड़ा वाई कोऑर्डिनेट लिख दूं, बड़ा इसकी हाइट कितनी है जिस टाइम पर ये
बीड वायर के रेस्पेक्ट में इक्विलिब्रियम पे होगा, उस टाइम पर बेटा इसकी हाइट कितनी है, इतना सवाल है। चलिए बेटा करते हैं सवाल। बेटा अगेन हम ग्राउंड फ्रेम से भी कर सकते हैं और बेटा हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी कर सकते हैं। हम चलो बेटा करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एक काम करते बेटा, हम इस वायर पर बैठ जाते हैं। बैठ गए बेटा, आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है नॉन इनर्शियल, आप बोलोगे सम ऑफ कोर्स वायर पर बैठ गया हूँ, वायर का अगर एक्सलरेशन तो मेरा भी एक्सलरेशन, अगर मेरा अगर एक्सलरेशन तो मैं तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ। अब बेटा बताना कि इस एम मास की बीट पर कौन से फोर्स हैं। आप बोलोगे सर सबसे पहले तो नीचे की तरफ एम जी, फेयर इनफ, इधर की तरफ ऑफ कोर्स एक फोर्स दिखाना पड़ेगा बेटा, कौन सा, सूडो फोर्स। ये जो वायर है ये बेटा वायर फोर्स लगाएगा ऐसे, वायर बेटा नॉर्मल फोर्स लगाएगा, वो भी कैसे, सरफेस के परपेंडिकुलर। मैंने बेटा इस वायर पर यहां पर एक टेंजेंट खींच दी बेटा, लेट्स बेटा दिस एंगल इज थीटा। अब पूरी कहानी समझना बेटा, अगर ये एंगल थीटा बेटा दिस एंगल ऑल्सो कम्स आउट थीटा। बेटा मैंने वर्टिकल लाइन खींच दी, ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा, बेटा ये वाला एंगल फिर से थीटा। ये टेंजेंट है, नॉर्मल फोर्स बेटा हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर। अब आप तो बेटा वायर पर बैठकर बीट की एफिड बना रहे हो और आप कह रहे हो कि वायर के रेस्पेक्ट में बीट रेस्ट पे है या इक्विलिब्रियम पे है, और अगर इक्विलिब्रियम पे है तो ऑफकोर्स बेटा नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। तो आप कह सकते हो कि सर वायर के रेस्पेक्ट में अगर मैं बीट को देखूं तो कौन से फोर्सेज हैं। बेटा देखना ऊपर की तरफ मेरे ख्याल से आ गया होगा एन कॉस थीटा, इधर की तरफ आ गया होगा एन का साइन थीटा, नीचे की तरफ प्यारे बच्चों आ गया होगा एम जी, और इधर की तरफ बड़ा फोर्स आ गया होगा एम ए। हम जानते हैं कि अगर इक्विलिब्रियम है तो एन कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू एम जी एंड दिस इक्वल्स टू एम ए, बड़ा मेरे पास आ गया होगा एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम ए। जैसे डिवाइड किया बड़ा मेरे पास वैल्यू आ गई है टेन थीटा इज ए बाई जी। और इस तरह के कर्व में मेरे बच्चे जानते हैं कि tan theta is basically slope and slope is always equals to मेरे प्यारे बच्चों dy by dx। बड़ा dy by dx y is equals to kx square है, बड़ा बोलना बड़ा dy by dx कितना होगा, dy by dx होगा बड़ा कितना 2kx and it should be equal to 2kx। x की वैल्यू बड़ा आ गई है मेरे ख्याल से a upon 2kg, लेकिन सर मुझे x कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए, सर मुझे तो ये हाइट चाहिए वाई कोऑर्डिनेट। बड़ा वाई होगी के टाइम्स एक्स का स्क्वायर, ले बेटा क्या आ जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर टाइम्स के जी स्क्वायर, ये बड़ा अपना आंसर जाएगा, ये बड़ा अपना आंसर जाएगा। ठीक है आगे चलिए बड़ा, आप न्यूटन्स लॉ की सारी शीट निपटा सकते हो है ना, और इसेंशियल शीट बड़ा ठीक है किसी बच्चे की अगर स्पीड अच्छी हो तो अभी निपटा लें। बड़ा जो बच्चे थोड़ा सा समय लेते हो चीज़ें समझने में करने में, बड़ा वो कम से कम इसेंशियल शीट तो बड़ा सारी निपटाई लें। अगली शीट बड़ा न्यूटन्स लॉ की है, और न्यूटन्स लॉ इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ, सो बड़ा अगली शीट फ्रिक्शन की है, फ्रिक्शन जो है दैट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जस्ट न्यूटन का एक्सटेंशन। बड़ा वहीं पर वही सारी बातें बड़ा रिपीट होंगी, तो बेटा आप शीट निपटा लें, दोनों की मिलाकर भी निपटा सकते हो न्यूटन्स लॉ की और फ्रिक्शन की भी, बट जितना न्यूटन्स लॉ हो चुका है बेटा वो सारा सारा तो आप कर ही लें।